ओ स्त्री कल आना, लेकिन अब ओ स्त्री रक्षा करना। जी हाँ, स्त्री टू आ चुका है, टीजर आ चुका है और भैया एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस को ना घुमाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस समय जहां भी देखो भैया साउथ फिल्मों का जलवा लगा हुआ है और खास करके कल्की का जो ग्राफ है ना वो सर पे चढ़ा हुआ, और जहां देखो हर जगह कल्की कल्की ही छाया हुआ है। और ऐसे में अगर स्त्री बॉक्स ऑफिस पर सफल होगा कि नहीं होगा, ये एक सवाल खड़ा होता है। तो भाई सवाल ही गलत है, क्योंकि जिस तरीके से 20 करोड़ की फिल्म और 200 करोड़ का लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है, तो भाई शक नहीं करने का। एक बार फिर से बॉलीवुड की किस्मत बदलने के लिए फिर से स्त्री टू आ चुका है। जी हाँ, यानी कि पहला के अपार सफलता के बाद और भैया स्त्री टू यानी स्त्री टू, उसमें एक फेमस डायलॉग था कि ओ स्त्री कल आना, यानी कि जो आती थी वो चली जाती थी, लेकिन अब ससुराल हो चुका है कि वो स्त्री रक्षा करना। जी हाँ, फिल्म का टीजर आ चुका है, 1 मिनट 2 सेकंड का है और सस्पेंस फिर से बरकरार है, यानी कि हॉरर फिल्म का जो सस्पेंस होता है वो बरकरार है। अब फिल्म की प्लॉटिंग कैसे की गई है, यानी कि इसमें जो नजर आ रही है हमारी वन एंड ओनली कौन, भैया श्रद्धा कपूर। भैया श्रद्धा कपूर एक बार फिर से जो लुक दिख रहा है वो मुझे लग रहा है वही भूतनी शूतनी का फिर से कैरेक्टर करने वाली है, क्या करने वाली है नहीं करने वाली है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ राजकुमार राव, यानी कि अपने जॉली नेचर कॉमेडी नेचर पे भैया इमोशन और शॉट देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी, उनकी बात क्या करना भाई, वो जब जब स्क्रीन पे आ रहे हैं हल्का सा कॉमेडी जोन और डरावनेपन का जो जोन होता है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। स्त्री टू को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि मुंजिया जो फिल्म है उसका ही रीमेक वर्जन बॉलीवुड में बनाया जा रहा है, यानी कि बन के आया है, और सरकटे भूत का भी एक स्टोरी की बात की जाती है। हालांकि ये चीजें करेक्टर फिल्म के टीजर में कहीं भी दिखाया नहीं गया है। स्त्री है, एक लंबी सी बॉडी है और मूर्ति है, उसके ऊपर पानी जल जो भी आप कह सकते हो, और पूरा का पूरा वो उसी के ऊपर आधार रोमांस गाने का जो ट्रैक है वो डाला गया है। अब ये वाक्य में ही सरकटे वाला जो भूत है उसकी स्टोरी है या फिर नहीं है, ये काफी ज्यादा सस्पेंस है। लेकिन पंकज त्रिपाठी का जो करेक्टर है वो मुझे लग रहा है कि भाई ये भूत भगाने वाला ओझा बनिया, नए जमाने का जो क्या आप कह सकते हो संत मुनि जो ओझा बनिया, उसके कैरेक्टर में दिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है टीजर में ऐसा दिखाया गया है। फिलहाल टीजर से सस्पेंस बरकरार है, कुछ भी प्लॉटिंग को दिखाया नहीं गया कि आखिरकार स्टोरी क्या है। जी हाँ, बस ये है कि एक जो हॉरर फिल्म का जो जोन होता है उसको प्रॉपर वे में थीम में रखा गया है, लास्ट में राजकुमार राव का एक डायलॉग डाल दिया गया है, बाकी सब पूरा अंधकार में डाला हुआ है, पूरी यानी कि नाइट विजन में डाला गया है, पूरा सिनेमेटिक जो ग्राफिक जो दिख रहा है वो पूरा नाइट विजन में, यानी कि पूरा शॉट नाइट में दिखाया गया है। अब दिन का शॉट है या फिर नहीं है, दो बार दिखाया गया मूर्ति के नीचे ओ स्त्री रक्षा करना, और एक बार पेंट करते हुए दीवार पे दिखाया गया कि ओ स्त्री रक्षा करना। तो मुझे लग रहा है कि फिर से वही कहानी चलने वाली है, लेकिन इस बार कहानी कैसा घुमावदार होने वाला है, श्रद्धा कपूर का रोल का क्या होने वाला है, राजकुमार का तिगड़ी कैसा होने वाला है, और मुझे लग रहा है पंकज त्रिपाठी जो होने वाले वो मुझे लग रहा है कि वो भूत बनिया का जो भगाने वाला ओझा जो होते हैं पकड़ने वाले उसी के कैरेक्टर में होने वाले हैं। फिलहाल टीजर देखो, और जिन लोगों को टीजर देख लिया है वो जरूर बताओ कि आपको ये टीजर श्रद्धा कपूर वाला या राजकुमार वाला पंकज त्रिपाठी वाला आपको टीजर कितना अच्छा लग रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।